आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि जी एप्पल ने ना कल एक प्रोडक्ट अनाउंस कर दिया, उसका नाम है विजन प्रो। ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे पहले ना मैंने एक क्लास में कहा था कि यार मोबाइल फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे। हाँ हाँ कर दो उठ के कर दो वो बटन। कुछ अरसे पहले जो है ना मैंने इसी तरह किसी क्लास में बैठा हुआ था मैं चैट बॉट की, तो मैंने ये ज़िक्र किया था कि जी मोबाइल फ़ोन जो है ना वो काफ़ी लंबा अरसा चल गया है। इतने लंबे अरसे ना आमतौर पे कोई टेक्नोलॉजी चलती नहीं है। अच्छा, मोबाइल में भी अगर देखा जाए ना, मोबाइल फ़ोन में तो कुछ तीन चार फेजेज़ रहे हैं इसके भी। ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक जैसा ही चला है। जो पहला फेज़ था मोबाइल फ़ोन का, वो सिर्फ फ़ोन था, ठीक है, उसमें सिर्फ कॉल होती थी, और क्योंकि वो पेजर वगैरह उस टाइम आ चुके थे ऑलरेडी, तो उसमें पेजर वाला भी होता था, और उसमें SMS भी बाद में ऐड कर दिया इन्होंने। ठीक है, पेजर आप में से मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा शायद कि क्या होता है, लेकिन आप गूगल कीजिएगा। एक चीज़ होती थी, वो लोग छोटा सा लगा के रखते थे या बेल्ट के साथ ना, फ़ोन जैसा ही होता था वो, लेकिन उसमें स्क्रीन विस्क्रीन नहीं होती थी, या शायद कैलकुलेटर जितनी ना 8 डिजिट की स्क्रीन होती थी। तो उसमें बस आप ना हर बंदे का जैसे फ़ोन की तरह नंबर होता था, अब वो जब नंबर आप डायल करते थे ना उस पर, तो सामने वाले बंदे के पास जस्ट एक बीप होता था, दैट्स इट। तो वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था। मिसाल के तौर पे मेरे पास पेजर है और मेरे दोस्त के पास भी पेजर है। पेजर की भी फ़ोटो भी ज़रा दिखा देता हूँ। ये इस तरह की डिवाइस होती थी। ठीक है, अब जो ये वाला पेजर है ना, ये तो काफ़ी एडवांस किस्म का पेजर है। आमतौर पर ये पेजर इस तरह का रेयर होता था। जो ज़्यादातर लोगों के पास पेजर होता था ना, वो ये होता था, छोटा वाला, इस तरह का होता था। तो ये पेजर, जाहिर है पेजर को मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में मैं नहीं डालता, क्योंकि पेजर में फ़ोन वाला कुछ था नहीं, कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन काइंड ऑफ ये थी वही टेक्नोलॉजी। तो वो पेजर ना लोग रखते थे जेब में, ये काफ़ी एडवांस किस्म का पेजर आप देख रहे हैं। तो वो पेजर के फ़ौरन बाद जो फिर फ़ोन आ गया, जो नोकिया 3310 वाला जो ज़माना गुजरा है, तो एक फ़ेज़ वो रहा है। उसके बाद एक फ़ेज़ जो है वो स्मार्टफोन्स का चला है, और तीसरा एक फ़ेज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्मार्टफोन का आप कह लें, क्योंकि स्मार्टफोन जब आए थे नए नए, तो वो स्मार्टफोन कैसे होते थे, ऑफ 2005, 2005 में जो स्मार्टफोन होते थे ना, वो कुछ इस तरह के होते थे। इनको स्मार्ट इसलिए समझा जाता था कि इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती थी, इसमें फ़ोटो खींची जा सकती थी, और इसके अंदर जो है ना सॉन्ग्स वगैरह सुने जा सकते थे, इस तरह की कुछ फीचर्स थे। हाँ, ब्लूटूथ से फाइल शेयरिंग वगैरह हो जाती थी, और इस वजह से इसको स्मार्ट कहते थे। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा जो दौर चला है ना, जो वो आईफोन का दौर चला है, या उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट कह लो, या जस्ट उसको आईफोन का ही दौर कह लो, तो 2007 के बाद जब पहला आईफोन रिलीज़ हुआ ना, तो उन्होंने कुछ ऐसी मेजर उसमें चेंजेस की, जैसे कि वो फुल टच स्क्रीन दे दिया उन्होंने। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फुल टच स्क्रीन, दिस इज़ नॉट अ फुल टच स्क्रीन। ये इसमें अंदर बटन्स, कीबोर्ड वगैरह मौजूद होता है, या जो फुल टच स्क्रीन भी थे 2007 से पहले, उसके साथ स्टाइलस होता था, और वो टच की जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो पन्नी वाला टच होता था। आजकल के फ़ोन में तो टच पे पन्नी नहीं लगी हुई होती ना, तो 2007 से पहले जो फ़ोन आते थे टच वाले, यानी जिसमें ये शामिल है, ये वाले फ़ोन, अगर ये इस तरह का फ़ोन किसी ने फिज़िकली देखा हो, मैंने देखा है अपने टाइम पे, ये तो खैर टच है ही नहीं। एक फ़ोन आता था उस ज़माने में, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, अब नाम उसका मैं भूल गया हूँ बाहर। तो वो हाँ, वो फुल टच स्क्रीन होता था, और वो स्लाइड होके थोड़ा सा वो खुलता था, ये रहा, इस तरह का ही होता था, लेकिन वो दूसरा फ़ोन है। वेल,
ये वही चीज़ आ गई ना, तो इसमें भी वो स्टाइलस होता था साथ में और वो पन्नी वाला टच होता था इसमें, कहीं ना कहीं वो दिख रहा होगा फोटो में। ये आप देखें इस तरह का फ़ोन जो है, इसमें ये कीबोर्ड होता था पूरा, और कीबोर्ड होता था या तो स्टाइलस होता था। अच्छा, वो आईफोन में उन्होंने फिर क्या किया कि पूरा फुल टच स्क्रीन दे दिया। उन्होंने कहा यार बटन वटन कोई नहीं होगा, बटन वो सिर्फ एक होता था होम के लिए होता था बस, कि वो दबाएंगे तो आप सब छोड़ छाड़ के होम पे आ जाएंगे। और टच की जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने चेंज कर दी, कैपेसिटिव टच कर दिया। उनका ये मानना था कि यार हर ऐप के ना अपने बटन्स होते हैं, तो वो मतलब अभी ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि यार उन्होंने उस टाइम पे जो बात की ना कि हर ऐप के अपने बटन होते हैं, वो तो आज हमारे लिए बाय डेफिनेशन ही वही है कि जी हम साउंड क्लाउड खोलते हैं तो अंदर प्ले का बटन आ रहा होता है, और अगर हम फेसबुक खोलते हैं तो अंदर वो हम लिखते हैं और पोस्ट का बटन अंदर प्रेस करते हैं। लेकिन ये इस वाले दौर में ना ये बात कि किसी ने सोची नहीं थी इस पॉइंट तक 2005 तक, और फिर वो 2007 से ऑनवर्ड्स जो चला है वो आईफोन का दौर चला है, और जितनी भी इनोवेशन हुई है उसके बाद मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी में वो पहले एप्पल वाले ही करते थे और उसके बाद बाकी लोग उसको अडॉप्ट करते थे। ठीक है, आप कोई भी ईच एंड एवरीथिंग आप कुछ भी उठा के देख लें वो आपको यही मिलेगा कि जी वो पहले एप्पल वालों ने वो इनोवेट किया और फिर सब लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, एज इट इज़ अडॉप्ट किया, उसमें बगैर कोई चेंजेस किए बगैर अडॉप्ट किया। तो अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि अब जो दौर आ रहा है ना आगे, अब वो तीन फेजेस हैं मोबाइल फ़ोन के जो मैं बता रहा था। मोबाइल फ़ोन एक सिंगल फेज़ में नहीं रहा है, और ये आपका जो इरा शुरू हुआ है वो आप समझ लें कि 95 से शुरू हुआ है मोबाइल फ़ोन का इरा, जो आम लोगों की पहुंच में आया है मोबाइल फ़ोन 95-98 से स्टार्ट हुआ है, और ऑनवर्ड्स ये चला है 2023 तक हम बैठे हैं 2023 में। अच्छा, ये जो डिवाइस आई है ये भी प्रोटोटाइप है, अगर किसी ने इसका इवेंट नहीं देखा अभी तक तो वो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा है यहाँ पर इस डिवाइस का, जिसको नहीं पता, कल ही लॉन्च हुआ है, कल परसों लॉन्च हुआ है ये। इसका ज़रा एप्पल इवेंट लिखेंगे ना, WWDC हुआ है, कल परसों हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा WWDC पूरा। अच्छा, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये क्यों है, मैं क्या बता रहा था बताते भूल गया मैं, वो मैं कुछ एक और भी बात करने लगा था अभी। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था कि 2023 तक तो फ़ोन मोबाइल फ़ोन्स का दौर है, दौर चला है। ये डिवाइस ना अभी आई नहीं है, ये आएगी अगले साल, अनाउंसमेंट उन्होंने अभी कर दी है, फ़ीचर वगैरह बता दिए हैं, लेकिन ये सेल के लिए अवेलेबल होगी नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद। तो आप समझ लो 2024 तक भी मोबाइल फ़ोन का दौर रहेगा, इसके रिलीज़ होने के बाद भी, क्योंकि ये $3500 का है, यानी पाकिस्तानी 10-12 लाख, अभी तो पता नहीं अगले साल डॉलर जो है ना वो 400 पे घूम रहा होगा, तो हमारे लिए फिर पता नहीं 18 लाख की डिवाइस होगी। तो अभी तो ये बहुत महंगी डिवाइस है जो अभी इन्होंने रेट बताए हैं, तो मतलब 15-18 लाख की डिवाइस शायद हर बंदा नहीं लेगा, लेकिन मैं उसको दूंगा मज़ीद 5 साल, इस डिवाइस के फर्स्ट लॉन्च के मज़ीद 5 साल के बाद फिर मोबाइल फ़ोन को ये टोटली रिप्लेस कर चुका होगा जब तक। ठीक, अच्छा अब ये हम देख लें कि ये डिवाइस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इस डिवाइस में इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कम्युनिकेशन मीडियम जो होगा ना वो वॉइस होगा टोटली। अच्छा, क्यों इन्होंने जो है, जब आप ये डिवाइस लगाते हैं, अच्छा जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी बता दूँ कि ये चलता क्या है, कर क्या रही है। ये होता क्या है कि आप इसको लगाते हैं इधर, अच्छा इसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ROS करके पता नहीं नाम रखा है उन्होंने, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड। अच्छा, और इसको आप ऑन करते हैं जब, तो वो एक कंप्यूटर की दुनिया में आप आ जाते हैं। ठीक है, और इसका जो रियलिटी है वो मिक्स रियलिटी है, एक वर्चुअल रियलिटी होता है जिसमें आप रियल दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप आ जाते हैं, आपको रियल दुनिया नहीं दिखती है। ठीक है, और दूसरा होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड क्या होता है कि जी आप चश्मा लगा लेते हैं कोई, या ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो रियल वर्ल्ड भी आपको दिख रहा होता है, बट उसमें आपको चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही होती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखती, सिर्फ आपको दिखती है। तो ये मेनली जो चलता है वो ऑगमेंटेड पे चलता है कि जी रियल दुनिया आपको दिख रही होगी और उसके ऊपर चीज़ें लगा के आपको दिखा रहा होगा, लेकिन इसमें वर्चुअल रियलिटी वाला भी मॉड मौजूद है।
तो ये मिक्स रियलिटी की डिवाइस है। इसका इन्होंने बाकायदा एक नाम रखा है जिसको ये कह रहे हैं स्पेशल कंप्यूटिंग, यानी स्पेस वाली कंप्यूटिंग है। स्पेस कंप्यूटिंग, हाँ स्पेशल कंप्यूटिंग, तो स्पेस की कंप्यूटिंग है ये कह रहे हैं। अच्छा अब ये करता क्या है, कैसे होता है, जो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये इवेंट नहीं देखा। इसको आप लगाते हैं, आप के सामने जो है ना स्क्रीन खुल जाती है। अच्छा स्क्रीन कौन सी खुलती है, वही वाली जो फ़ोन में खुलती है, जो मेन मेन्यू आता है ना फ़ोन में आपके पास, यहाँ पे मे बी इन्होंने कहीं पे दिखाया वो। फ़ोन की तरह का ना, हाँ ये रहा, इस तरह का मेन्यू आ जाता है आपके पास, ठीक है। और अगर आप नहीं, वीडियो मुनासिब नहीं है चलाना यहाँ पे, अभी वो आवाज़ वगैरह आएगी नहीं। ये आपके पास ना ये सारी ऐप्स वही वाली आ गई जो आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में होती है। इसमें मैसेजेस भी हो रहे हैं, इसमें कॉल्स भी हो रही हैं, इसमें सब कुछ हो रहा है। और इन्होंने बोला ये फुल डे के लिए बनाया है हमने, मतलब अब बंदा लगाएगा तो पूरे दिन लगा के रख सकता है उसको। इसमें फटीग होता है, जो दूसरी डिवाइसेज हैं उसमें लगाने से ना फटीग होता है, सर्वर में दर्द हो जाता है, आँखें चुंदी आ जाती हैं क्योंकि लाइट तेज़ होती है सामने। तो इन्होंने कहा यार हमने उस चीज़ का पहले ही ख्याल रखा है कि वो आप पूरे दिन लगाओगे उसको। अच्छा अभी ये थोड़ा बल्की भी है, अल्टीमेटली ये छोटा भी हो जाएगा। अभी भी ऑलरेडी ये बाकी डिवाइसेस जितनी हैं उन सबसे ये हल्का है और उन सबसे ये नस्बतन छोटा है साइज़ में। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बाकी सबसे छोटा है ये जो मुझे अभी तक समझ आया, क्योंकि फिज़िकली तो मैंने नहीं देखा, वीडियो में ही देखा है, वो लगा हुआ दिखा रहे हैं बंदे को। तो वो हल्का है सबसे और सबसे छोटा है ये बाकी डिवाइसेस जितनी भी हैं। अच्छा वो रीज़न उसका ये बैटरी पैक इन्होंने सर में नहीं डाला, वो तार लगा के अलग से आपके बेल्ट में लगेगा, जैसे पेजर लगाते थे ना पेजर की तरह, बेल्ट में आप इसको खोस लेंगे बैटरी पैक को और तार से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा वो। तो थोड़ा आधा वेट इन्होंने नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सर पर आपके वेट भी कम होता है। अच्छा अब ये खुल गया, अब ये कंप्यूटिंग के जो इसमें जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस HCI, जो हम असल में जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अगर वो देखा जाए बिग पिक्चर में तो हम HCI का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बैठ के, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। अच्छा अभी वाला जो जो वेब एप्लीकेशन वाले लोग हैं वो पढ़ते हैं टच स्क्रीन और कीबोर्ड और माउस वाला, हम पढ़ रहे हैं वॉइस वाला या टेक्स्ट बेस्ड, कि जी बंदा चैट करके जो है ना कंप्यूटर से बात कर रहा होगा, जैसे एक आम बंदे से बात किया जाता है ऐसे वो बात कर रहा होगा और कंप्यूटर उसको जवाब दे रहा होगा, नेचुरल लैंग्वेज में ही बात हो रही होगी दोनों साइड से। तो इसमें जो कम्युनिकेशन मीडियम है ना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर एक देख के होगा इसमें, मिसाल के तौर पर ये वेन्यू जो है, अब इस उसके अंदर ना आँखों के जहाँ पर आप आँखें आपकी टच होती हैं इस डिवाइस में, उसमें आँखों की तरफ कैमरे लगे हैं 3-4, वो क्या करते हैं आपकी आई को ट्रैक करते हैं, सही है, आई ट्रैकिंग करते हैं वो आपकी, और वो इतने प्रिसाइज हैं उसको पता चल जाता है कि आप किस मेन्यू की तरफ देख रहे हैं। अब जैसे ही आप उस मेन्यू की तरफ देखते हैं ना वो पॉप हो जाता है, और आप क्या करते हैं फिर उसके अंदर जब आपने जाना है तो आप फिंगर ऐसे करते हैं, फिंगर को आप टच करते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है। अच्छा अब वो फिंगर को कैसे देखता है, कैसे पता चलता है, वो उसके इधर ना चश्मे के जो बेजल्स हैं उसके उस पर कैमरा लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है, साइडों में भी लगा हुआ है, मतलब उसको 360 एक पिक्चर मिल रही होती है आपके सराउंडिंग की। तो जब आप यूं करते हैं ना तो वो AI उन्होंने क्योंकि लगाई भी है, मॉडल ट्रेन किया हुआ है, आपको मैंने कहा था कि मॉडल ट्रेन सिर्फ बड़ी कंपनियाँ ही कर सकती हैं इस वक्त, तो उन्होंने मॉडल एक ट्रेन किया हुआ है जो आपके फिंगर को देखता है कि कब टच हो रही है। वो जैसे ही आप फिंगर को टच करते हैं ना किसी भी एंगल से आप उसको दिख रहा हो, वो फिंगर मतलब किसी भी एंगल से आपको फिंगर दिखे आपको पता चल जाएगा कि फिंगर टच हुई है, ये मूवमेंट आपको दिख रही है, तो वो AI मॉडल उसका ट्रेन किया हुआ है, वो देखता है कि जैसे ही आपका फिंगर टच हुआ ना और जिधर आप देख रहे हैं उस मेन्यू के अंदर ले जाता है आपको। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा अब इससे आप देखें सारा कुछ इसी से कंट्रोल हो जाएगा, स्क्रॉल, क्योंकि जाहिर है अभी तो वेब 2.0 चल रहा है ना, वेब 3 की जो चीज़ें हैं या जिसको सो कॉल्ड मेरा जो वर्जन है वेब 3 का, मैंने आपको अपना वेब 3 का वर्जन ओरिएंटेशन क्लास में ज़रा डिस्कस किया था कि मैं क्या समझता हूँ कि वेब 3 क्या होने वाला है। मैंने ये कहा था कि वो वर्चुअल रियलिटी और प्लस वॉइस होगा। आप देखें एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे सामने आ गई है कि आप देख रहे होंगे एक मेन्यू की तरफ और आप यूँ टच करेंगे
तो ये काइंड ऑफ एक मेटावर्स ही है, लेकिन ये मेटावर्स की साइड से नहीं आए. मेटावर्स उस चीज़ को कहते हैं कि जी वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में सारे लोग मौजूद, जैसे पबजी है. पबजी में क्या होता है कि जी 100 लोगों को उतारा जाता है, एक साथ खेल रहे होते हैं, तो वो काइंड ऑफ एक मेटावर्स है. सबसे रियल एग्जांपल जो है ना मेटावर्स की, वो पबजी है, जिसका कोई नाम नहीं लेता. जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, पता नहीं कोई ऐसी चीज़ों का नाम ले रहे होते हैं, सैंड बॉक्स. अब वो जो पता नहीं सैंड बॉक्स, एक दफ़ा मैंने खोला, एक घंटा मैंने उसको घुमाया, ट्राई किया, मेरे समझ नहीं आया इसमें हो क्या रहा है यार. ऐसे ही लोग घूम रहे हैं बिलावजह, और वो टू 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 अजीब सा म्यूज़िक है. वो 90s के गेम होते थे वैसे, जैसा उसको बनाया हुआ. तो सबसे रियल एग्जांपल जो है ना मेटावर्स की, वो पबजी है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता. तो वेल, मगर ये उस तरफ से नहीं आए, ये मेटावर्स की तरफ से नहीं आए, ये इस तरफ से आए, दूसरी तरफ से. वो कह रहे हैं यार ये डिवाइस एक वंस अगर ये स्टैंडराइज हो गए ना, तो मेटावर्स खुद हमारे पीछे पीछे आएगा. तो पबजी फिर उस पर लगा के खेलेगा बंदा यार, वो तो बैटल ग्राउंड में ही होना है ना. तो वो इन्होंने नहीं किया. और मेटावर्स कोई इतनी वो चीज़ नहीं है जैसे सैंड बॉक्स है ना. सैंड बॉक्स के जैसा सॉफ्टवेयर या पबजी जैसा सॉफ्टवेयर कोई बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, ठीक है. एक गेमिंग इंजन है, अनरियल करके गेमिंग इंजन है, ये यूनिटी 5 जो अभी चल रहा है, और वो ये इन्हीं दोनों से मिलके बना हुआ है ना. पबजी अनरियल इंजन पे चलता है, और यूनिटी 5 का फ्रेमवर्क है उसमें, या पता नहीं यूनिटी 6 का है, अभी मुझे नहीं पता अभी उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है. तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है. अगर 100 लोगों की टीम हो ना, या 50 लोगों की भी टीम हो, तो मेरा ख्याल है कि एक महीना बहुत है पबजी जैसा गेम बना. क्यों, मतलब अगर पता हो सब चीज़ें कि बनाना क्या है. वैसे तो पबजी बनाने में उनको टाइम लगा होगा, क्योंकि वो सोचा होगा उन्होंने यार क्या करें, फिर कैसे करें, फिर उसको मार्केट उसकी चेक की होगी, फिर सब एनालिसिस वगैरह करके, और वो फिर फीजिबिलिटी देख के, फिर उसका मोनिटाइजेशन क्राइटेरिया बना के कि जी रेवेन्यू कैसे आएगा. तो वो सब करने में ज़ाहिर है इनको तो लगे होंगे, 2-3 साल तो लगे होंगे. लेकिन अगर ये सब चीज़ें पता हो ना पहले से, तो एक महीना बहुत है. अगर ये मार्केट एनालिसिस वगैरह ना, क्योंकि 70% तो ये काम होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले. तो वो इतना लंबा को चौड़ा काम नहीं, और वो कई पहले से बने हुए हैं वो मेटावर्स, तो वो कोई इतनी बड़ी इनोवेशन भी नहीं है, तो वो कोई भी कर लेगा. डिवाइस इज़ द मेन थिंग. अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन मीडियम की बात हो रही थी. मैं किसी आइकन की तरफ देख रहा हूँ और मैं इसे टच करूँगा, वो उसके अंदर चला जाएगा. क्योंकि अभी करंटली जो भी इंटरनेट पे चीज़ मौजूद है, या जो भी इस वक्त डेटा मौजूद है, देखें इस पे जो कंज्यूम होगा जो डेटा, वो कौन सा डेटा है? या तो कोई वेबसाइट विजिट होगी, या तो कोई फ़ोटो देख रहा हूँगा मैं, या तो मैं कोई डॉक्यूमेंट देख रहा हूँगा, या कोई मैं मूवी देख रहा हूँगा. ये सारा कुछ जो है ना अभी 2D में, और ये सारा कुछ जो है ना वेब 2.0 वाला है. अभी YouTube पूरा वेब 2.0 है, तो इस पे YouTube ही देखेगा ना बंदा, फ़िलहाल क्या करेगा. तो इस वजह से ये क्लिक और ये टच, ये यानी देख के और ये उंगली टच करने वाला हिसाब किताब अभी है इसमें. इन्होंने अच्छा दूसरे जो इससे पहले जो इस तरह के जो चश्मे आए हैं, जो क्वेस्ट वगैरह और फेसबुक का, जो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक है गालबन, तो वो उसमें जो है ना क्या होता है, हाथ में बाकायदा जॉयस्टिक होता है, उसको पकड़ते हैं, उसमें वो बटन प्रेस करके वो काम होता है, या उसमें टच का कोई चक्कर होता है. इन्होंने वो सब नहीं दिया. क्यों? अल्टीमेटली इनको वो ख़त्म करना है. वो जो ये फिंगर टच वाला चक्कर है ना, अभी तो किसी ने भी जिक्र नहीं किया ये वाला. मैंने और भी लोगों के व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, लेकिन ये बात किसी ने अभी तक जिक्र नहीं की कि ये ख़त्म करेंगे अल्टीमेटली इसको. ये मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको ये करेंगे ख़त्म. और वो जो आँखों से देखने वाला है ना, वो भी शायद वो थोड़ा ज़्यादा देर में ख़त्म हो, लेकिन वो भी अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा, और ये टोटली वॉइस बेस्ड होगा. अच्छा, अब आप देखें, अभी तो वेबसाइट खोली, वो फिंगर टच करके क्लिक किया. अच्छा, स्क्रॉल पे इन्होंने किया कि जी फिंगर आप टच करो, और फिंगर को आप ऊपर करोगे तो स्क्रॉल, आप नीचे करोगे तो स्क्रॉल डाउन, ये इन्होंने किया अभी. अच्छा, फिर जैसे स्क्रीन आपके सामने उसमें खुलती है, अब उस स्क्रीन को बड़ा करना है, छोटा करना है, आगे करना है, पीछे करना है, तो उन सब का जो पकड़ने का है ना, वो इसी टच से. फिंगर आप दो फिंगर आपस में आप टच कर रहे हैं ये, और टच करके आप जिधर देख रहे होंगे, आप मिसाल के तौर पे अगर आपको बड़ा करना है सामने अपनी खुली हुई स्क्रीन को, तो आप स्क्रीन के कॉर्नर की तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक चीज़ अपेयर हो जाएगी वहाँ, क्योंकि पता तो है इसको आप कहाँ देख रहे हैं, एक चीज़ अपेयर हो जाएगी. वो जैसी चीज़ अपेयर होगी आप पकड़ेंगे, आप ऐसे खींचेंगे बड़ा होगा, ऐसे खींचेंगे छोटा होगा, ये चल रहा है अभी, ठीक है. अच्छा, कोई वेब पेज है अगर, तो आप वेब पेज के दरमियान में देखते हुए आप यूँ पकड़ेंगे, ऊपर करेंगे स्क्रॉल अप होगा, नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन होगा, और ये सब AI के थ्रू उन्होंने सब कुछ परफेक्शन किया हुआ है. अभी मैं उस पर आ रहा हूँ. वो असल में आज तक जितने भी आए ना ऐसे चश्मे, वो सब एंटरटेनमेंट के लिए थे, लेकिन इन्होंने वो भी मसला हल कर दिया है. अच्छा,
तो ये समझ में आ गया कम्युनिकेशन मीडियम, जो ये दो कम्युनिकेशन मीडियम है कि जी देख के होगा और इस उंगली के जेस्चर से होगा। नंबर तीन कम्युनिकेशन मीडियम जो है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वो क्या इंटरेस्टिंग है कि कोई वेबसाइट आपने खोली जी, कोई वेबसाइट आपने खोली या किसी जगह पे आप नोट पैड खोला आपने अंदर, क्योंकि है तो सारा मोबाइल वाली ऐप है फिलहाल के लिए, क्योंकि सारा 2.0 चल रहा है अभी। और सर्च जैसे गूगल खोला आपने या यूट्यूब खोला, उसके सर्च बॉक्स की तरफ आप देखेंगे ना जैसे ही, उसमें कर्सर ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा क्योंकि पता तो है उसको आप देख रहे हैं। अच्छा, और आप सर्च बॉक्स की तरफ देखते हुए ना जो भी बोलेंगे वो सर्च बॉक्स में ऑटोमेटिकली लिख देगा। अच्छा, वो लिखने का भी चक्कर क्यों है, क्योंकि यूट्यूब वेब 2.0 है, यूट्यूब के अंदर ये वाला फीचर नहीं है। अच्छा, यूट्यूब में वैसे तो है वॉइस सर्च, मे बी वो थोड़े दिनों में इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि ये तो अभी लॉन्च हुआ भी नहीं है ना। जब लॉन्च होगा तो जाहिर है वो APIs आ जाएंगी, अभी आ गई हैं APIs। तो वैसे उन्होंने यही बोला था कि भाई 6 महीने पहले अनाउंसमेंट करने का मकसद ये है कि डेवलपर्स को सारा SDK वगैरह दे दिया जाए ताकि वो डेवलपमेंट शुरू करें इसमें। तो वो अब गूगल वगैरह जितनी भी ऐप्स हैं वो सब इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगी इसके लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने बोला है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा दुनिया की किसी भी वेबसाइट में, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स होगा, आपने वो वेबसाइट खोली, टेक्स्ट बॉक्स की तरफ देखते हुए आप बोलेंगे, वहाँ पे वो लिख देगा। और लिख के आप वो मेरे ख्याल शायद फिंगर दोबारा से टच करेंगे, अपना ये थंब और ये फर्स्ट फिंगर ये टच करेंगे तो सर्च कर देगा, सबमिट हो जाएगा वो। अब आप देखें कि प्राइमरी ना ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो वॉइस की तरफ आता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि यूट्यूब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेगा, और यूट्यूब में कोई ऐसा मैकेनिज़म होगा मे बी कि मेरे पास यूट्यूब खुला हुआ होगा, इसमें विजन प्रो में, और मैं यूट्यूब की तरफ देखते हुए ना मैं बोलूँगा यूट्यूब सर्च, और उसके आगे मैं जो भी बात बोलूँगा वो सर्च होगा, मुझे सर्च बॉक्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप देखें ये देखने वाला एलिमेंट एलिमिनेट हो गया। अच्छा, जब देखने वाला एलिमेंट एलिमिनेट हो गया तो फिंगर टच करने वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो इन्होंने मेनली मैं ये समझता हूँ कि जो साथ में कोई प्रेफरल नहीं दिया ना, हाथ में कोई जॉयस्टिक नहीं दिया, उसका मेन रीज़न ये है कि अल्टीमेटली इन्होंने इसको ख़त्म कर देना। ये फिंगर वाला जेस्चर रहेगा साथ में, जब क्योंकि जाहिर है वेब 2.0 की जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो तो, क्योंकि वेब 1.0 वाली वेबसाइट आज तक मिलती हैं आपको, वेब 1.0 वाली जो वेबसाइट है ना आज तक वो मौजूद हैं बहुत सारी और चल भी रही हैं उसी तरह, ठीक है। एक 1000 पिक्सल करके एक वेबसाइट है, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो दिखाता हूँ आपको, वो वेब 1.0 वाली है। सही है, इस तरह कुछ मिलियन पिक्सल वेबसाइट है, ये मिलियन पिक्सल होम पेज। अब ये जो वेबसाइट है ना ये वेब 1.0 है। अच्छा नहीं, अब शायद इसको भी इन्होंने अपडेट कर दिया, इसमें ये ट्विटर वगैरह का बटन आ रहा है। वेल, ट्विटर का बटन इन्होंने जस्ट ऐड किया है, बाकी सारा वही है, पुराना ही है। नहीं नहीं, ये इसकी वेब 1.0 तो मतलब ये है कि जी आप जो चीज़ देखेंगे ना जस्ट वो आपको दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक शलिक नहीं कर सकते, टैप नहीं कर सकते, अपना इंटरेक्शन उसको नहीं दे सकते आप, ठीक है। मतलब कोई लिंक भी होगा, अगर क्लिकेबल तो होगा वो लिंक, लेकिन वो लिंक आपको किसी दूसरे पेज पे ले जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप अपना देखो, इसमें कहीं कॉमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, विजन प्रो की क्या सवाल तुम्हारा समझा नहीं हुआ। अच्छा, वो मैं अभी बताता हूँ कि अभी क्या है और मैं क्या समझता हूँ कि आगे क्या होगा इसके अंदर। अच्छा, वेल अभी मैं इसका बता रहा था कि ये जो मिलियन डॉलर होम पेज है ना, इसका चक्कर ये है कि 1 मिलियन पिक्सल है, ये 1000 by 1000 है शायद, तो वो 1 मिलियन बनता है। इसने कहा था यार $1 का 1 पिक्सल है, ख़रीद लो, तो वो $1 मिलियन में ना इसने ये सारे पिक्सल बेचे हैं, और इसने कहा यार जो जितने पिक्सल लेगा ना उतने 1 पिक्सल पे आपका ऐड लगा दूंगा मैं। तो ये जितने लोगों ने ख़रीदा है ना, ये हर जिस कंपनी ने उस ज़माने में ख़रीदा है, ये उन सब का ऐड लगा हुआ है असल में, और कुछ लोगों ने वैसे ही लगा दिया है। मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको, जैसे ये तो देखें कैसीनो का एक ऐड है, goldenpalace.com करके कोई कैसीनो है,
लेकिन कुछ में आप देखें वैसे ही जस्ट आर लिखा हुआ है, इट डजेंट मीन एनी थिंग, या मे बी कि कोई मतलब हो इसका, ठीक है। एक में लिखा हुआ है जस्ट एस और कुछ भी। अच्छा, साउथ वेंड कम्युनिकेशन, ये भी एक कंपनी है, ठीक है जी। आर लिखा हुआ है जस्ट, जस्ट एक बिल्ली बनी हुई है। तो इसमें कुछ आपको कंपनीज मिलेंगी, ये क्या है भाई, डिस्कवर क्यूबा स्पेशलिस्ट। तो भाई ये सारे जो है ना, इन्होंने भेज दिए और वो ये अभी तक चल रहा है। ये वेब 1.0 की वेबसाइट है, इसमें वो 2 वाला कोई एलिमेंट नहीं है, और इन्होंने ऊपर लिख के लगा दिया कि जी ये सारा सोल्ड आउट हो गया, अब इसमें मज़ीद कोई जो है ना वो नहीं है। अब क्या लिखा है इसने, 1 मिलियन पिक्सल, $1 पर पिक्सल, ओन अ पीस ऑफ इंटरनेट हिस्ट्री। तो इन्होंने भाई इंटरनेट की एक हिस्ट्री रकम की है, वो आज तक चल रही है। वेल, दोस्त ने सवाल किया कि यार इसमें जो स्क्रीन खुलती है अभी राइट नाउ, वो कैसी खुलती है? अभी जो स्क्रीन खुलती है ना इसमें, वो खुलती है ऐसी, अगर आपने ये नेटफ्लिक्स खोला है ना तो ऐसा खुलेगा, या यूट्यूब खोला है तो ऐसा खुलेगा, या आप कोई अगर मूवी देख रहे हैं ना तो वो ऐसा खुलेगा। अच्छा, इसकी स्क्रीन को रीसाइज़ कर सकते हैं कि कितनी बड़ी स्क्रीन आप देखना चाह रहे हैं ना, उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, या दूर या करीब भी कर सकते हैं, या जैसे साइड में देखें ये विंडोज़ दिख रही है ना, इसको अपना घर दिख रहा है साइड में, तो ये साइड का घर भी इसको चेंज कर सकते हैं कि जी यहाँ पे मुझे कोई, मुझे लगे मैं गार्डन में बैठा हूँ, लाइक दैट। तो अभी तक तो इसकी स्क्रीन ना ये 2D स्क्रीन है, लेकिन इन फ्यूचर ये होगा 3D, इन फ्यूचर ये ऑब्वियसली 3D होगा, ठीक है। तो अब इस तरफ भी एक पूरी दुनिया खुलने जा रही है, क्योंकि जो 3D में आज तक जो है ना, मोस्टली सिर्फ गेम्स बनते थे, या तो गेम्स बनते थे या तो इंडस्ट्रियल यूजर्स थे उसके, कि जी वो कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसका मॉडल बना लिया, या कोई अगर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट कोई बनाना है तो पहले उसका ऑटो कैड बना लिया, ठीक है। तो 3D में ज़्यादातर जो है ना, ये दो ही चीज़ें होती थी। अच्छा, फिर वो गेम्स, मैं जब कह रहा हूँ तो गेम्स का मतलब है कि वो कार्टून वगैरह भी उसमें शामिल हैं, यानी इंटरटेनमेंट की जो है, तो गेम्स और कार्टून और ये इंडस्ट्रियल यूजर्स, तो यही था 3D का मेन यूज़ आज तक। लेकिन अब जो है ना, वो 3D इस स्पेस में आने वाला है। यूनिटी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, यूनिटी जो है वो गेम का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है इस वक्त राइट नाउ, ख़ासतौर पे मोबाइल गेम्स जो है ना वो यूनिटी पे बनाते हैं सब लोग आजकल। तो अल्टीमेटली इसका जो व्यू है वो 3D होगा, है ना। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो कम्युनिकेशन मीडियम है ना, वो बायस्ड है वॉइस की तरफ। क्योंकि अगर मैंने ये इतना महंगा चश्मा लगा लिया और मैं 3D वर्ल्ड में हूँ, क्योंकि बेसिकली तो ये 3D है ना, इसमें बाय द वे इन्होंने कैमरा भी दिया है, जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि इस वक्त जो जितना भी कंटेंट है जो कंज्यूम होगा इस पर, वो सब 2D है, फोटोज 2D हैं, वीडियोज 2D हैं, और आपका जो है ना वेबसाइट तमाम की तमाम 2D है, सॉफ्टवेयर सारे 2D स्क्रीन के हिसाब से बने हुए हैं। तो इस पे जो कंटेंट अभी कंज्यूम होगा वो 2D है, लेकिन इन्होंने अच्छा काम ये किया है कि इसमें कैमरा एक दिया है जो कि 3D फोटो खींचता है। इससे मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने चश्मा लगाया हुआ है, अब वो कोई सीन देख रहा है ना, वो ऊपर बटन दबाएगा तो उस सीन की फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी, लेकिन 3D में वह कैप्चर होगी। अच्छा, वो फ़ोटो जब आप खोलेंगे ना तो वो ऐसे ही खुल जाएगी जैसे मैं अभी इस वक्त देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर इस क्लासरूम की मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ उस चश्मे से, तो जब मैं वापस से खोलूँगा ना, तो वो इस तरह की 2D स्क्रीन पे नहीं खुलेगा, वो ऐसे पूरा खुल जाएगा 3D में। तो ये इन्होंने अच्छा काम किया कि 3D में वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा ये, और 3D में फ़ोटो भी रिकॉर्ड करेगा। इससे क्या होगा, इंटरनेट के ऊपर ये कंटेंट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपका जो सवाल है ना कि ये यूट्यूब कैसा होगा, आज से 5 साल 6 साल बाद का जो यूट्यूब है, जो इस पे खुलेगा, वो कैसा होगा? वो ये होगा कि जी इसमें से जो वीडियो और फोटो बन रही है, इंस्टाग्राम वाले अलाउ करेंगे कि जी आप हमारे पास अपलोड कर दो, 3D खुलेगा भी 3D, फिर वो यूट्यूब वाले अलाउ कर देंगे जी इसकी बनी हुई जो 3D वीडियो है वो आप हमारे पास अपलोड करो। तो जब यूट्यूब देन जब खुलेगा ना इसके ऊपर, तो वो फिर ऐसे पूरा 3D में खुलेगा। अच्छा, अभी जो 3D मूवीज़ हम देखते हैं वो तो 3D तो है नहीं, वो तो मजाक है अगर किसी का इत्तेफाक हुआ 3D मूवी देखने का। अच्छा, वो क्यों उसमें मजाक है, वो इसलिए है कि वो ये करते हैं। अच्छा, कर ये भी वही रहे, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं वो चश्मा बड़ा कोई फारिग किस्म का होता है जो देते हैं हमें, लेकिन वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो जाहिर है चश्मे का कोई कमाल उसमें है नहीं असल में। वो होता, हाँ, बचपन में हमारे एक वो होता था ना जो
रूलर स्केल जो होता था लाइन खींचने वाला, वो होता था ना उसको जो ऐसे करो तो उसमें स्पाइडर मैन हो, ऐसे करो तो बैटमैन हो जाता था। क्या क्या कहते हैं उसको, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? वेल वो होता था कि जी वो स्केल के ऊपर ना एक फ़ोटो बनी होती थी, अब जब थोड़ा सा टिल्ट करो तो वो फ़ोटो चेंज हो जाती थी थोड़ा सा। तो अभी जो 3D मूवीज़ हमारे पास IMAX की जो चलती है वो तो काइंड ऑफ उस स्केल की तरह लगती है मुझे कि जी हल्का सा ऐसे करो तो वो पता नहीं कुछ कुछ और ही हो जाता है उसमें, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रही है। तो वो 3D मूवी जो असल में चलती है वो ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूँ आपको कि ह्यूमन किसी 3D ऑब्जेक्ट को कैसे उसको समझ आता है कि ये 3D ऑब्जेक्ट है। वो ऐसे समझ आता है कि जो दोनों आँखों का डिस्टेंस है ना हमारे, तो ये आँख हमारी अलग पिक्चर देखती है, ये आँख हमारी अलग पिक्चर देखती है। इसका एक्सपेरिमेंट आप करेंगे ना अगर, कि जैसे इस माइक की तरफ आप देख रहे हैं, अच्छा आप इस आँख पे अपने हाथ रखेंगे और आपने आई को मूव नहीं करना, और फिर आप क्या करेंगे ये हटा के इस पे रखेंगे तो ये माइक थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा। तो हमारी जो दोनों आँखें हैं ना वो दोनों दो अलग अलग पिक्चर देखती हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उतना डिस्टेंस होता है जितना हमारी आँखों में। इसको PD कहते हैं, जो जो चश्मा बनाने वाले हैं उसको कहते हैं PD डिस्टेंस है ये। तो PD डिस्टेंस का चश्मा बनाने में आई साइट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो दोनों आँखों को हमारी दिखता है अलग अलग पिक्चर, फिर हमारा जो ब्रेन है वो इसको प्रोसेस करता है और इसको प्रोसेस करके ना इन दोनों पिक्चर्स को वो बताता है कि जी वो ये क्या है। उसको हम परसीव करते हैं, ये हमारा परसेप्शन होता है कि जी हम ये 3D ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। मतलब एक ह्यूमनली अगर बात की जाए तो 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम तो ऐसे ही देखते हैं बचपन से। तो हमारे लिए 2D 3D एक रियल वर्ल्ड में 2D 3D थोड़ी होता है, वो तो हम ऐसा ही देखते हैं। लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो 2D दिख रहा होता है ना, अब वो हमें 3D कैसे बना के दिखाता है? वो हमें ऐसे बना के दिखाते हैं कि जो उसमें दो कलर होते हैं, वो एक में ब्लू ज़्यादा होता है, एक में रेड ज़्यादा होता है, इस तरह का वो चक्कर किया हुआ होता है उन्होंने। अच्छा जब आप लगाते हैं ना चश्मा तो एक आँख आपकी वो रेड होती है, एक ब्लू होती है। तो जो आँख रेड होती है ना उसको फिल्टर होके वो सिर्फ रेड वाला कलर दिखता है, और जो ब्लू होती है उसको फिल्टर होकर वो ब्लू वाला कलर दिखता है। तो दोनों आँखों को अलग अलग पिक्चर दिखाई जाती है, और दोनों आँखों को जब अलग अलग पिक्चर दिखाई जाती है तो वो चीज़ सेम चीज़ अचीव हो जाती है। हाँ मगर वो इतना कुछ खास है नहीं, शायद पता नहीं उसके प्रोजेक्टर का कोई इशू होता है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ वो चश्मे का होता है, या आई एम नॉट श्योर। पाकिस्तान के अलावा मैंने किसी और जगह पे 3D वाली मूवी नहीं देखी, तो लेकिन मेरे दोस्तों ने देखी, वो कहते हैं यार सब जगह वैसे ही है। तो मे बी वो अभी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ऐसे ही है, मगर इसके अंदर जो है ना काम वही कर रही है। लेकिन इन्होंने कार्ल ज़ीस का ना ऑप्टिक जो इस्तेमाल किया वो कार्ल ज़ीस वालों का किया है, सबसे मशहूर है वो ऑप्टिक्स में ना, जितने ये कैमरे के बड़े बड़े लेंस होते हैं ना तो वो कार्ल ज़ीस के बड़े फेमस हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वो कार्ल ज़ीस का इन्होंने लगाया ना ऑप्टिक, तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का है। तो जो रिज़ल्ट इसमें लोग कह रहे हैं ना जिन्होंने ट्राई किया है, जो कुछ इन्होंने यूट्यूबर्स को कुछ प्रेस वालों को ना ट्राई भी करवाया ये लगा के, फिर इनके खुद के जो टेस्टर्स होते हैं, क्योंकि जाहिर है ये पता नहीं 5-6 साल 8 साल से बना रहे हैं इसको ये, तो इतने टाइम में बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया था। तो एक बंदे का आर्टिकल नज़र से गुजरा था, वो कह रहा था कि आज से पता नहीं 5-6 साल पहले इन्होंने जब मुझे लगाया था ना ये ग्लास, वो अनाउंसमेंट से पहले की बात है ये अनाउंसमेंट, तो उसने कहा यार मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, मैंने कहा यार ये क्या कचरा लगा दिया। लेकिन अब जो उन्होंने मुझे टेस्ट करवाया ना तो इट वाज माइंड ब्लोइंग। तो उसी आर्टिकल से असल में हाइप बन गई थी कि जी वो पता नहीं क्या अनाउंस होने वाला है, और वो फिर एप्पल वालों ने ख़ुद भी कह दिया था कि हम हिस्ट्री बनाने वाले हैं, और वो फिर कर भी दिया उन्होंने। तो अब तो खैर वो बात खुल गई है, तो उस वक्त थोड़ा दबे लफ्ज़ों में उसने बात की थी। तो इतने टाइम से वो सब लोगों को ज़ाहिर है टेस्ट करवाता रहा है, फिर वो डिज्नी के साथ जिन्होंने पार्टनरशिप की है, जिन कंपनीज़ के साथ, तो उनको भी वो लगा के चेक करवाता रहा होगा। तो वो जितने लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं ना जो इंटरनेट पे, सब लोग यही कह रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है ना 3D का वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और वो रियलिस्टिक है बिल्कुल, आप फ़र्क नहीं कर सकते रियलिटी में और उसमें। सर, इससे पहले ना VR आया था, लेकिन वो भी एक तरीके से इसी टाइप का था कि उसके अंदर एप्लीकेशन खुल जाते हैं, आप वीडियो वगैरह देख सकते थे और फीचर्स थे उसके अंदर, गेमिंग वगैरह के अंदर यूज़ होता था वो रोलर कोस्टर राइड लेने फला करने, लेकिन वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, तो इसके क्या चांस है कि स्टेबल रहेगा और ये करेगा कुछ चेंज लेके आएगा? अच्छा, इन्होंने ना दोस्त ने भी जैसे सवाल किया था, वो भी सवाल अभी रह गया बीच में कि वो इंटरटेनमेंट का फैक्टर अभी तक तो जो हमने देखा है कि फ़ोटो खिंच रही है, वीडियो हो रहा है, लेकिन इंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ी मार्केट है असल में ना।
जैसे यूट्यूब आप देखें कितनी बड़ी मार्केट है, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारा एंटरटेनमेंट का ही तो प्लेटफॉर्म है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वो वीआर आया, अब वीआर 5-6 महीने के लिए तो हर किसी के पास था, लेकिन अब आपको नहीं दिखेगा वो वीआर हर किसी के पास, तो वो है, तो ये कैसे स्टेबल करेगा जैसे आप कह रहे हैं कि भाई। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये चलेगा, अदरवाइज अगर वो ये वाला चक्कर होता ना, मुझे लगता है कि यार 2-3 साल का गेम है तो फिर मैं यहाँ पे जिक्र ही नहीं करता इसका। लेकिन मुझे ये लगता है और मैं आई एम डैम श्योर कि ये चलेगा और ये फ़ोन को रिप्लेस करेगा। वो इसलिए अभी राइट नाउ ना इन्होंने जो बात की है, इन्होंने यार इवेंट के लास्ट में जब ये पैसे बताने लगे ना, तो उससे पहले उन्होंने बोला यार आप सोचो कि आप होम थिएटर अगर लगाओगे तो प्रोजेक्टर जो अच्छा वाला प्रोजेक्टर है ना अभी होम थिएटर में जो लोग लगाते हैं वो है 8-10 लाख का तो है वो कम से कम, क्या कहते हैं, या अगर शाओमी का भी हम लेना जो थोड़ा सस्ते में तो वो भी 5-6 लाख तक का है, अब तो पता नहीं रेट बढ़े हैं डॉलर के अभी तो ऊपर से लग गया होगा। तो वो कह रहा है फिर आप स्पीकर वगैरह लगाओगे, फिर आप मल्टी स्क्रीन या सेटअप वर्क स्टेशन पे आप मल्टी स्क्रीन सेटअप लगाते हो तो भी आप इतने का तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि अभी रेटना वाली जो स्क्रीन LG की है वो पता नहीं मेरे ख्याल है कि 3 लाख की है पाकिस्तानी, तो अगर आपने 3-3 लाख की 2 स्क्रीन लगा ली अगर तो 6 लाख तो यहीं होगा, फिर आप वो CPU वगैरह भी साथ लोगे, फिर साथ में स्पीकर्स भी लोगे, पूरा एक सेटअप होगा। तो कह रहा है आप इस हिसाब से सोचो कि वो कितने का पड़ता, ये नहीं बोला कि कितने का पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ लोग बहुत ही शौकीन, एक हमारे दोस्त हैं वो स्पीकर्स का इतना शौक है और उन्हें पता नहीं एक पूरा रूम भरा हुआ है स्पीकर एम्पलीफायर्स वगैरह से, और वो पता नहीं किस ज़माने के, उनके घर वाले सारे उनको जो ना वो करते हैं कि ये क्या टीन डब्बा जमा किया हुआ है, तो वो भाई उसको बहुत संभाल के रखते हैं, और बकौल उनके कि ये करोड़ों का सामान है। बकौल उनके तो वेल उन्होंने अभी आप ये देखें ना यामाहा वगैरह के स्पीकर बड़े महंगे होते हैं यार, JBL के, यामाहा के, ये ऑडियो टेक्निका के, वो एक एक हेडफोन जो है 40-40 हज़ार का होता है उसका, तो वो बड़े तो वो होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो अगर आपने कोई अच्छा स्पीकर लगा लिया ना, वो ऑरफ्लेम करके पता नहीं क्या है, वो एक स्पीकर है, वो इतू सा है, वो गूगल असिस्टेंट जब आया था ना उस वक्त, तो उसमें उन्होंने पहले जो सबसे पहली सपोर्ट दी थी स्पीकर में वो उन्होंने दी थी, यानी जनरल स्पीकर में थर्ड पार्टी में, तो यार इतू सा स्पीकर है पता नहीं 8-10 लाख का है वो। अब मैंने कहा यार पता नहीं क्या है उसमें, वो ऐसे टेबल पे रखा होता है इतना बड़ा सा, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है पता नहीं उसकी। तो उन्होंने कहा यार आप इस हिसाब से सोचो कि आप अगर अच्छा कोई सेटअप लगाते हैं ना एंटरटेनमेंट का, घर में होम थिएटर लगाते हैं, तो वो कितने का पड़ता है, और वो कह रहे हैं कि यार आप ये लगाओगे ना जब, तो ये कम इट नेवर कम क्लोज, कि आप जो भी मर्जी कर लो आप इसके क्लोज नहीं आ सकते, जो इसका रिजल्ट है वो एक आँख में 4K पिक्सल देता है ये, ठीक है, दोनों आँख में अलग अलग क्योंकि वो लगा हुआ है डिस्प्ले, तो वो दोनों में ना 4K डिस्प्ले, फिर अच्छा वाला लेंस भी लगा दिया उन्होंने, वो कह रहा है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ये आप होम थिएटर में इसको अचीव नहीं कर सकते इस चीज़ को, फिर वो 3D वाला होम थिएटर। अच्छा तो ये तो हो गया एंटरटेनमेंट का, कि यार एंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चीज़ें आमतौर पर एंटरटेनमेंट से ही शुरू होती हैं, फिर आगे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता उसका यूज़ केस ना निकल के आता है और फिर वो अल्टीमेटली आपकी मजबूरी बन जाती है। हाँ मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ कि वो कैसे करता है वो, मैं आपका सवाल पे ही आ रहा हूँ अभी। तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ मैं ये कह रहा था कि वो आप कह रहे हैं ना कंप्यूटर पहले जो है वो असल में कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, नहीं कंप्यूटर भी असल में एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था शुरू में, सही है। क्यों देखें, वो जो शुरू में बिल्कुल बने थे ना कैलकुलेशन वाले, वो तो साइंटिस्ट के पास होते थे, आम लोगों भाई ये मिसाल के तौर पे आप में से किसी को शौक है कि आप एक टैंक खरीदें बड़े हो गए? नहीं है ना किसी को शौक, मिलिट्री वालों का काम है वो, आपका क्या उससे लेना देना। या किसी को ये शौक है कि मैं हाइड्रोकोलाइडर अपने घर पे तैयार करूँगा कल जाके, किसी को भी नहीं है। हाइड्रोकोलाइडर साइंटिस्ट लोगों की चीज़ है। तो वो वाला जो ज़माना था ना कैलकुलेशन वाला, मैकेनिकल कंप्यूटर होते थे या जो मेन फ्रेम्स होते थे, वो आम लोगों का क्या काम यार, वो क्यों ख़रीदेंगे? ठीक है, मतलब जैसे आपने कभी नहीं सोचा कि मैं टैंक खरीदूंगा, वैसे उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं कंप्यूटर खरीदूंगा। लेकिन जब कंज्यूमर मार्केट में ये आया ना, तो आया ये विंडोज़ 95 विंडोज़ 90 के ज़माने से,
95 से भी पहले एक शायद होता था विंडोज़ का, जो पहला वर्जन शायद आया था वो, उसका मुझे नाम नहीं याद अभी कि क्या था। बहरहाल नहीं, एक्सपी तो 2003 में आया था। अरे नहीं भाई, 95 से पहले। बहरहाल विजुअल कंप्यूटिंग समवेयर 90s में समवेयर स्टार्ट हुआ था। तो वो विजुअल कंप्यूटिंग जो पहली दफ़ा आया था ना, वो असल में वो चक्कर यही था कि जी इस पे ना वो वीडियोस भी चल जाएंगी, इस पे फ़ोटो भी चल जाएगी। फिर वो पेंट वगैरह के सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे उस ज़माने में बनाए गए थे, 95-98 के ज़माने में। तो वो असल में उस इंटरटेनमेंट से ही कहानी शुरू होती है। फिर उसमें वो फ्लॉपी वगैरह आ गया कि जी आप इसमें ना वो डेटा सेव कर सकते हैं फ़ोटो। तो वो इंटरटेनमेंट से ही कहानी शुरू हुई थी। गेम्स उस ज़माने में आ गए थे कंप्यूटर में, मैंने जब गेम कंज्यूमर मार्केट में जैसे ही कंप्यूटर आया था ना, तो गेम्स उसमें होते थे। वो वाला गेम होता था सॉलिटर, ताश के पत्तों वाला। फिर वो एक गेम होता था बिल्टन, ये डाल के देते थे बकायदा। हाँ, वो ऐसे वो बटन दबाओ तो अंदर से वो बॉल निकलता था, है ना, पता नहीं उसका क्या नाम होता था। हाँ, चेस वगैरह डाल के देते थे वो। तो असल में कहानी शुरू इंटरटेनमेंट से ही होती है। फिर वो थोड़ा सा स्टेटस सिंबल से भी शुरू होती है कि यार अच्छा जी आप, अरे कंप्यूटर है आपके पास तो आप बहुत पैसे वाले हैं। तो स्टेटस सिंबल से भी कहानी शुरू होती है। फिर वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके ना, फिर आप देखें मोबाइल फ़ोन भी जब आए थे शुरू में, तो वो स्टेटस सिंबल से और आप कह लेंगे इंटरटेनमेंट से शुरू हुआ था कि जी मैं यहाँ बैठ के जी किसी दूसरी जगह पे बंदे से बात कर लूँगा, अरे ये तो बड़ा इंटरटेनिंग है। ठीक है, आज भी आप देखें जो फ़ोन आम तौर पे जो एक दूसरे से बात करते हैं ना, वो असल में इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होता है मोस्टली कि जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी दूसरे सिटी में अपने रिश्तेदार से मैं बात कर सकता हूँ। तो वो बात करते हैं, बड़ा इंटरटेन होते हैं बात करके। वो तो बाद में यूज़ केसेस निकल आते हैं, अच्छा जी इससे फूड पांडा भी मंगा सकते हैं हम फ़ोन करके, इससे हम टैक्सी भी मंगा सकते हैं। वेल, तो इंटरटेनमेंट की फैक्ट्री कुल मिला के बात ही है, मेरा पॉइंट है कि इंटरटेनमेंट की फैक्ट्री भी बहुत बड़ी है, ज़्यादातर चीज़ें शुरू यहीं से होती हैं। लेकिन इन्होंने पहले ही दिन ही ना ये वाला भी काम वो कर दिया, इन्होंने बोला कि भाई आप ना इसको वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं साथ साथ। मिसाल के तौर पे जैसे ये मैंने मैक खोला हुआ है, अच्छा वैसे तो उसमें ख़ुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ नहीं की है कि इसमें रैम कितनी है। प्रोसेसर तो बता दिया M2 है, लेकिन रैम नहीं बताई, स्टोरेज नहीं बताया। अब कंप्यूटिंग के लिए स्टोरेज सबसे वाइटल चीज़ है, वो उन्होंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। मगर उन्होंने ये बोल दिया है कि जी मैक आपके पास अगर है ना मैकबुक, तो आप वो चश्मा लगा के जैसे ही मैकबुक की तरफ देखेंगे तो वो क्या होगा, मैकबुक की जो स्क्रीन है ना वो एक्सपेंड हो जाएगी, ये स्क्रीन बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आप चाहेंगे ऑब्वियसली, वो कोई ना कोई कंसेंट होगा किसी क्लिक करो या कुछ करो, तो वो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी और आपके सामने ना 100 इंच की स्क्रीन मिसाल के तौर पे खुल जाएगी ये वाली। अच्छा, कीबोर्ड आप यही वाला इस्तेमाल करेंगे, माउस आप यही वाला इस्तेमाल करेंगे, या मे भी चाहें तो वो देख के वाला क्लिक वाला कर लें और ये उधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये इतना बड़ा इन्होंने बेहतरीन काम कर दिया ना, डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया। डेवलपर्स आमतौर पर क्या करते हैं, अलग से LCDs खरीदते हैं। अच्छा, अलग से जो LCD खरीदते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें रेटना डिस्प्ले लगा हुआ है, तो रेटना लेवल वाला ही डिस्प्ले चाहिए, जो अलग से भी LCDs होंगे उसमें भी, तो वो बड़ी महंगी हैं, वो 3-3, 4-4 लाख के वो मॉनिटर्स हैं। तो वो बंदा ना अगर ये वाला ले ले तो इंटरटेनमेंट अलग चल रही है साथ में वो इधर भी यूज़ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये इसको ये कह रहे हैं स्पेशल कंप्यूटर है ये, इसको इन्होंने पूरे इवेंट में आप देखेंगे ये ग्लास नहीं बोला कहीं पे भी, इसको AR ग्लास, इसको VR ग्लास का नाम नहीं दिया। इन्होंने बोला भाई ये स्पेशल कंप्यूटिंग कंप्यूटर है ये, तो एक फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है और स्पेशल कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर्स के लाइनअप में इसको डाला है इन्होंने। आप वो इवेंट जब भी आप देखेंगे, या जिसने नहीं देखा या जिसने देखा दोबारा आप देखेंगे, तो कहीं पे भी इन्होंने इसको ग्लास वगैरह टाइप का नाम नहीं उनको बोला कि जी AR VR ग्लास है ये। हर जगह पे इसको या तो नाम लिया है विजन प्रो, या तो इसको बोला है कि ये स्पेशल कंप्यूटर है। तो प्रोसेसर इसके अंदर M2 लगा हुआ है, रैम इन्होंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया और स्टोरेज अभी डिस्क्लोज़ नहीं की। अगर ये दोनों चीज़ें डिस्क्लोज़ कर देते हैं, अच्छा इसका अपना प्ले स्टोर भी एक अनाउंस किया है उन्होंने कि जी इसका प्ले स्टोर अलग होगा। अच्छा, तो मोस्ट प्रॉब्ली अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर हम मैक में इंस्टॉल करते हैं ना, वही सॉफ्टवेयर उसमें भी इंस्टॉल होगा। और मज़े की बात एक और, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैक हो ही, वो मैजिक कीबोर्ड के साथ भी काम करता है। मैजिक कीबोर्ड इनका कीबोर्ड होता है, वायरलेस कीबोर्ड, उसको ये बोलते हैं मैजिक कीबोर्ड। और मैजिक माउस भी वो वायरलेस माउस होता है, उसको मैजिक माउस नाम रखा हुआ है उसका। ठीक है, मैजिक नहीं है उसके अंदर कुछ, ऐसी बिलावजा मैजिक माउस नाम रखा हुआ है। अच्छा, मैजिक माउस के वो दो हैं उसमें,
एक तो पैड वाला है, वो पैड वाला माउस, एक है वो बाकायदा हिलाने वाला माउस जो होता है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल माउस है। तो दोनों तरह के इनके माउस और कीबोर्ड मौजूद हैं वायरलेस। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टेबल पे वायरलेस मैजिक माउस पड़ा हुआ है, तो जब आप इस विजन प्रो के थ्रू ना अगर आप यूट्यूब विजिट कर रहे हैं और आप किसी सर्च बॉक्स की तरफ देखते हैं, तो आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं मैजिक कीबोर्ड से भी। अच्छा, हेडफोन भी इससे कनेक्ट हो जाते हैं, जो इनके जो यानी कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कान में आवाज़ आने के लिए आपके। तो ये जितने भी पेरेफरल्स हैं ना जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, वो सारे पेरेफरल्स इसके साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप उस पर गेमिंग कर रहे हैं तो जो PS5 वाला जो वो हैंडल है आपका, क्या उसको क्या जॉयस्टिक कहते हैं, हैंडल कहते हैं, कंट्रोलर, तो PS5 वाला कंट्रोलर क्योंकि मैक के साथ कनेक्ट होता है, ये उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो कंट्रोलर से खेल सकते हैं। अब गेम में ज़ाहिर है टच वच जेस्चर से कैसे खेलेंगे, या मे भी खेलें भी इन फ्यूचर, लेकिन अभी उन्होंने बोला है भाई आपका कंट्रोलर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो ये जो दो चार बातें मैंने आपको बताई है ना, इससे ये बात साफ हो जाती है कि जी ये अट्रैक्शन इन्होंने डाल दी है किसके लिए, डेवलपर्स के लिए। डेवलपर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि छोटी स्क्रीन पे ना कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर कोडिंग करने के जो ज़्यादातर मामलात होते हैं ना, चाहे वो मोबाइल ऐप वाला बंदा हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन वाला बंदा हो, चाहे वो डेस्कटॉप की ऐप्स बना रहा हो, चाहे वो कोई और दूसरा जॉनर हो, आमतौर पर क्या होता है, एक जगह डिस्प्ले आ रहा होता है यानी उसका जो रिज़ल्ट होता है कोडिंग का, और दूसरी तरफ कोडिंग होती है। दो स्क्रीन इसके लिए मैंडेटरी है मोस्ट केसेस में। अच्छा, और छोटी स्क्रीन जो है वो भी ज़रूरी है और बड़ी स्क्रीन भी ज़रूरी है। मैंने 13 इंच वाला क्यों रखा हुआ है, मैंने ये 13 इंच वाला इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लाइट वेट है ये। मेरे पास इससे पहले 15 इंच वाला था, वो मेरे से कैरी नहीं होता था, बड़ा मसला करता था वो। अब वो क्योंकि इतना बड़ा सा होता है, वो बैग में आ तो जाता है, लेकिन वो बैग भी बड़ा सा हो जाता है, फिर सब मसला हो जाता है। फिर वो इससे ज़्यादा भारी है क्योंकि ये मेटल का होता है ज़्यादातर लैपटॉप, तो वो भारी है इससे ज़्यादा। और जो दूसरी एप्पल के अलावा भी जो लैपटॉप है HP वगैरह के, तो वो भी 15 इंच वाला भारी होता है। तो 13 इंच वाला इसलिए रखा है मजबूरी में, लेकिन इसकी स्क्रीन छोटी है। सम टाइम रेयरली होता है, लेकिन सम टाइम प्रॉब्लम होता है। अच्छा, फिर मिसाल के तौर पर अगर मैंने मूवी देखनी है तो वो भी छोटी स्क्रीन पर बिल्कुल ही मज़ा नहीं कराती। डिवाइस तो एक ही होती है ना यार, एंटरटेनमेंट और डेवलपमेंट एक ही पे कर रहा होता है बंदा आमतौर पर, वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं कराती। अच्छा, तो उसके लिए आजकल जुगाड़ किया हुआ है, ये जो क्रोम कास्ट लगा हुआ है ना इस पर, जिससे ये प्रोजेक्टर से आ रहा है, ये क्रोम कास्ट लगा के ना टीवी में, और वो कास्टिंग वास्टिंग करके और फुल मेहनत करके जो है ना मूवी देखी जा रही है आजकल। तो ये मसला है बहुत बड़ा है। तो छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन दोनों ज़रूरी है, लेकिन आप देखें इसके अंदर ना स्क्रीन कोई लिमिट ही नहीं है। आप 100 इंच की लगा लें, 200 इंच की लगा लें, कोई मसला ही नहीं है। तो बड़ी स्क्रीन हर किसी की टेंडेंसी है बड़ी स्क्रीन की तरफ, लेकिन बड़ी स्क्रीन को कैरी करना मुश्किल है। अच्छा, ये तो इतना सा है आपके इधर लगा हुआ है, या बैग में भी आपने डाला है, तो शायद कोई इससे भी हल्का है लैपटॉप से भी, और लैपटॉप से साइज़ में भी छोटा है अगर डायमेंशन में देखें हम उसको। तो डेवलपर्स के लिए भी इसमें अट्रैक्शन है। अब डेवलपर क्या करेगा कि वो अपना अगर मैकबुक है उसके पास, तो वो मैकबुक अगर बहुत ही पावरफुल किस्म की मैकबुक अगर उसको चाहिए अपने काम के लिए, तो वो मैकबुक खोलेगा। अगर कोई लाइट वेट है तो मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि इसका अपना स्टोर लॉन्च किया है इन्होंने, तो उस स्टोर में ये छोटी मोटी ऐप्स तो आ जाएंगी बहुत जल्दी, जैसे MS Word वगैरह इस तरह की जो है ना, जो मोबाइल में जो ऐप्स ऑलरेडी हैं, तो वो तो आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने ये भी एक जुमले में बोल के जल्दी से निकल गए कि जो iPhone की जो ऐप्स हैं ना कुछ, वो भी इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी अगर कॉम्पैटिबिलिटी है तो, क्योंकि सफारी चल रहा है ना, सफारी तो ब्राउज़र है, वो चल रहा है जब, तो मोबाइल के अंदर जो ऐप्स इंस्टॉल होती है ना वो भी इसमें चल जाएगी। अच्छा, क्योंकि M2 का प्रोसेसर है इसमें भी, ये वही है M सीरीज़ है, ये मैकबुक में भी M2 डाला हुआ है इन्होंने, अभी जो नए वाले टैबलेट है उसमें भी M2, तो वो सारे M2 हैं, तो होपफुली ये सारे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी इन्होंने रिसेंटली जो इनका टैबलेट था उसमें वो सब डेवलपमेंट वाले सारे वो दे दिया है, X कोड उसके लिए पता नहीं लॉन्च कर दिया, और वो जो इनका एक क्या सॉफ्टवेयर है जो Final Cut Pro वो सॉफ्टवेयर है वो भी लॉन्च कर दिया है टैबलेट के लिए। तो वो असल में ये वो लाइनअप कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेसर एक ही लगा दिए हैं सब में, तो वो ज़ाहिर है वो अल्टीमेटली कंपैटिबिलिटी का तो प्रोसेसर की साइड से इशू नहीं है,
वो अगर वो उन्होंने मना किया वो तो वो अलग बात है। तो पहले वो मोबाइल में इंस्टॉल होने वाली जितनी ऐप है वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगी, और छोटे मोटे काम तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे, उसके लिए मैक खोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बहुत ही पावरफुल किस्म का काम करना है, कोई बंदा वीडियो एडिटिंग कर रहा है, अब देखो वीडियो एडिटिंग में भी क्या होता है कि रिज़ल्ट आपको देखना होता है। अब छोटी स्क्रीन में ना क्या होता है कि जी रिज़ल्ट आपको इतना सा दिख रहा होता है, फिर टाइमलाइन अलग से एक दिख रही होती है ऐसे, फिर एक तरफ वो सारे कंट्रोल्स दिख रहे होते हैं दूसरे कि जी वो क्या साउंड या लाउडनेस या वो कलर करेक्शन, वो सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। इसमें ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा कि जी आपने मैक की तरफ देखा, आपकी स्क्रीन हो गई 200 इंच की। अब आपको जो वीडियो दिख रही है ना, वो लाइफ साइज़ वीडियो दिख रही है, जितनी बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो एक्चुअल में चलने वाली है उतनी बड़ी स्क्रीन पर आपको वीडियो अगर दिख जाए ना तो बहुत सही रहता है। जो मल्टी मॉनिटर सेटअप होता है उसमें आमतौर पे लोग यही करते हैं कि जी एक मॉनिटर ना डेडिकेटेड रखते हैं कि जी वो उस पर चला के देखते हैं कि एंड रिजल्ट जो आएगा ना इतने बड़े मॉनिटर पे चलने के लिए अगर ये डेवलप हो रही है वीडियो तो उस पर चलते हुए वो कैसी लगेगी, या कोई ख़ास किस्म का कोई कलर करेक्शन है उस पर तो वो उस पर कैसी लगेगी। तो ये एक बहुत क्रूशल चीज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपर, वीडियो एडिटर या जो फोटो एडिटर या कोई 3D वगैरह जो डेवलपर होता है ऑटो कैड वगैरह, उनके लिए बहुत क्रूशल होता है कि जी वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ना उनको बड़ा बड़ा सब दिखे। तो ये डेवलपर्स के लिए ना उन्होंने अट्रैक्शन डाल दी कि जी इधर देखेगा खुल के बड़ा हो जाएगा, उस पर चल रहा होगा काम। और मे बी जैसे इनके मैकबुक में इनके पास एक ऑप्शन होता है डॉक मोड। डॉक मोड में क्या होता है कि आप ना इसको बंद ही कर देते हैं पूरे को, इसको बंद करके ना इस पर आप केबल लगाते हैं, केबल डायरेक्ट आप मॉनिटर में लगाते हैं तो ये डिस्प्ले मॉनिटर में आ जाता है, ये डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो इसको आप बंद ही कर दें पूरे को। अच्छा फिर आप क्या करते हैं, इसको बंद करने से पहले आप इसमें मैजिक कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं वायरलेसली, फिर आप इसको बंद कर देते हैं, अब कीबोर्ड होता है और मॉनिटर होता है, ये बीच से साइड पर हो जाता है, ये साइड में स्टैंड पर ना यूँ खड़ा कर देते हैं इसको। अगर इसमें लिखूंगा ना मैं डॉक मोड, ये इसके ना डॉक इस तरह लोग बना के रखते हैं। अच्छा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मैकबुक ना ये वाला ये डॉक मोड पे चला जाएगा। आप मिसाल के तौर पे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आपने विजन प्रो लगाया हुआ है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं आप। अच्छा आपको अचानक याद आया कि अरे यार वो फला कोड लिखना था, तो आप क्योंकि हैं तो सेम नेटवर्क पे, अगर घर के अंदर मौजूद है, आपका लैपटॉप अगर बैग में भी पड़ा हुआ है ना और वो बंद है तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है फिर भी, ठीक है, अंदर ऑप्शन होता है बंद भी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे कनेक्ट रहता है। तो आप उसी विजन प्रो में ही कोई ऑप्शन चूज़ करेंगे ना और आपकी लैपटॉप की स्क्रीन यूँ निकल के आ जाए, और वो आपने जो भी फोल्डर वोल्डर खोला उसमें और जो भी करना था मंजन वो करके और आपने उसको साइड पे किया, दोबारा मूवी शुरू हो गई। तो ये डेवलपर्स के लिए इन्होंने अट्रैक्शन तो डाल दी है बहुत बड़ी, और क्योंकि डिस्प्ले इतना इसका ज़बरदस्त रखा है, क्योंकि थोड़ा लेट आते हैं ये और लेकिन सोफिस्टिकेटेड चीज़ लेकर आते हैं, तो डिस्प्ले वगैरह ना इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ये जो पूरी केस स्टडी हमने यहाँ पे देखी कि जी ये विजन प्रो क्या वाला है और ये क्या करने जा रहा है, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं एज अ चैट बॉट, क्योंकि हम चैट बॉट सीखने जा रहे हैं, ये इत्तेफाक से चीज़ हो गई तो मैंने कहा यार ये डिस्कस हो जाए ज़रा डिटेल में, तो इसलिए मैंने ये बात डिस्कस कर ली ताकि आपका ना विजन क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं और आगे इसका क्या पोटेंशियल हो सकता है। अच्छा आमतौर पे तो ये एप्पल क्या करता है कि अपने डिवाइसेस की ना फ्रेमवर्क अपना खुद बनाता है, ये मिसाल के तौर पे इसका SDK अब आगे होगा, आजकल मैंने चेक नहीं किया, तो जो दोस्त हैं डेवलपर जो आईफोन की एप्स बनाते हैं उनसे बैठूंगा साथ तो पता चलेगा कि क्या आ गया है, क्या कुछ अभी अवेलेबल हो गया है इसकी एप्स डेवलप करने के लिए। अच्छा लेकिन आप देखें क्योंकि सारी इंडस्ट्री इनको फॉलो करती है, इन्होंने उस इवेंट में बहुत क्लियरली ये बात की है कि इस डिवाइस को डेवलप करने में ना इतनी ज़्यादा इनोवेशन करनी पड़ी है इनको कि 5,000 से ज़्यादा इन्होंने पेटेंट फाइल किए, 5,000 से ज़्यादा इन्होंने पेटेंट फाइल किए। कोई ऐसी होती है ना इनोवेशन आप करते हैं, जब कोई चीज़ ईजाद करते हैं जब आप, तो आप चाहते हैं अच्छा जी ये चीज़ मैंने ईजाद की है, मैंने डिस्कवर की है, तो अब ये चीज़ ना कोई भी अगर अपने पास इस्तेमाल करेगा किसी इंडस्ट्रियल यूज़ में तो वो मुझे पैसे पे करेगा। जैसे वाईफाई है, वाईफाई जो चिप है वो किसी ने ईजाद की है, तो जितने भी फ़ोन इस वक्त मौजूद हैं सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में या जितनी भी ऐसी डिवाइसेज हैं जो वाईफाई से कनेक्ट होती है, वो तमाम डिवाइसेज जब आप ख़रीदते हैं ना तो उसमें से कुछ अमाउंट उस वाईफाई वालों को जाता है जिसने वाईफाई
ईजाद किया है, वाईफाई बनाया है जिसने। इसी तरह ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ भी एक पेटेंट है, पेटेंट टेक्नोलॉजी है, तो वो ब्लूटूथ वालों को पैसे जाते हैं। इसी तरह HDMI पोर्ट जो है ये भी किसी का पेटेंट है, आप देख लीजिएगा किसका पेटेंट है ये। इसी तरह ये जो आपका टाइप सी जो है ये भी पेटेंट है किसी का, और अच्छा खासा महंगा पेटेंट है भाई वो। जब भी आप जितने भी पावर बैंक देखें ना, एक टाइप सी की पोर्ट देते हैं, अभी भाई दे दो चार पोर्ट, क्या मसला है। टाइप ए की तीन तीन चार चार पोर्ट्स हैं, लेकिन टाइप सी की एक होती है सिर्फ। अभी तक इस वक्त मार्केट में ना कोई भी ऐसा पावर बैंक नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप सी की पोर्ट हो, कोई भी नहीं है, सारे एक एक देते हैं। एक बेसिस वालों का है जिसमें दो टाइप सी की पोर्ट है, मगर वो अजीब सा है थोड़ा, वो इतना बड़ा पावर बैंक और वो पता नहीं टैबलेट की तरह, तो उसका शेप कुछ अजीब सा है, तो इसलिए वो मैंने लिया नहीं। तो वेल मैं बड़ा ये कर रहा था कि जी कोई दो टाइप सी वाला मिल जाए, तो मैंने जब गूगल मारा ना तो मुझे पता चला इसका पेटेंट महंगा है। तो जो भी इसमें लगाते हैं ना पोर्ट, फिर उसका वो अंदर ड्राइवर है वो भी बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का, तो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए कोई भी दो पोर्ट नहीं देता, वो एक ने दिया है। अच्छा वो फिर पावर बैंक है भी 20,000 का, पाकिस्तानी 20,000 का, तो महंगा भी एक तरह से। तो वो सारा 5,000 इन्होंने पेटेंट किया है फाइल इस डिवाइस को बनाने में। इंडस्ट्री करती है इनको फॉलो। अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि ये सारा पता तो चल गया अभी हुआ कैसे, वो लेंस कार्ल ज़ीस से इन्होंने ख़रीदा तो कोई और भी ख़रीद लेगा, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। इन्होंने जो 4K रेजोल्यूशन दिया है एक एक आँख में, तो वो क्या पता चल गया ना अब तो, अच्छा ये लेवल सेट हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है ना, वो स्टैंडर्ड सेट हो गया तो सब ने फिर वही करना है। अच्छा पता चल गया, अच्छा बैटरी पैक अगर यहाँ पीछे बेल्ट में भी लगाओ तो खैर है, ओके चल जाता है मार्केट में, तो ये सब करेंगे अब। अच्छा अब ये शुरू करते हैं, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फ़र्क उसमें ये होता है कि जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं ना उनका फ्रेमवर्क आमतौर पे ओपन होता है, वो क्लोज सोर्स नहीं होता इनकी तरह, और ये क्लोज इकोसिस्टम में नहीं रखते। अच्छा तो अब दो मार्केट बनने जा रही है बड़ी मार्केट, आज से 5 साल बाद की ये बात बता रहा हूँ। और कंप्यूटर साइंस में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने वो टेक्नोलॉजी सीखनी होती है जो आज से 5 साल बाद आने वाली है। जो टेक्नोलॉजी इस वक्त करंटली चल रही है ना, वो सीखना कभी भी इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वेब डेवलपमेंट अभी बहुत चल रही है, रिएक्ट अभी बहुत चल रहा है, आप रिएक्ट सीखेंगे तो आप उन एवरेज डेवलपर्स की सफ में खड़े हो जाएंगे, जो उनको सैलरी मिल रही है वही आपको भी मिलेगी। लेकिन जब आप अर्ली अडॉप्टर होते हैं, जब आप आगे 5 साल आगे की चीज़ सीखते हैं, तो मुश्किल तो होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन जो है ना वो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा तो हमें इस चीज़ पे अब नज़र रखना है कि ये कहाँ जा रहा है। अच्छा साथ साथ अभी जो हम इस कोर्स में सीखेंगे ना, वो तो जॉब ओरिएंटेड है, वो तो प्योरली जॉब ओरिएंटेड है। अब आप देखें ये आपके लिए कितना लकी हो गया है कि आप ये टेक्नोलॉजी जब सीख रहे होंगे तो चैटबॉट की जॉब आपके लिए मौजूद है। वंस आप सीख जाएंगे तो फिर क्वेस्ट प्रो, ये जो विजन प्रो है ये आगे आपके लिए रखा हुआ है। तो अब आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जी वॉइस कंप्यूटिंग जो है ना वो फ्यूचर है आपका, और वॉइस कंप्यूटिंग जो है ना ये मोबाइल सबको रिप्लेस करेगा, अल्टीमेटली लैपटॉप को भी रिप्लेस करेगा। ये स्पेशल कंप्यूटिंग का दौर आने वाला है। इसमें दो बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, एक तो वॉइस की और दूसरी 3D, ठीक है। ये दोनों आपको अभी समझ आ गया, नज़र आ गया कि ये दो इंडस्ट्री बनने जा रही है। अच्छा आप अल्टीमेटली आप एप्पल के इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं या जो दूसरी कंपनीज उनको फॉलो करके बनाएंगी उसको ज्वाइन करते हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि भाई एंड्रॉयड भी चलता है और फ़ोन दोनों चलता है। एंड जो एंड्रॉयड होता है आमतौर पे वो क्या करता है, जो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और अल्टीमेटली फिर फॉलो भी करता है उसको। आईफोन वाले क्या करते हैं, थोड़ा लेट इनोवेट करते हैं और चीज़ें कुछ कोशिश करते हैं ओरिजिनल करें, बहुत सारी चीज़ें वो कभी भी नहीं करते। जैसे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिलती हैं वो कभी भी नहीं करते, हालांकि बहुत सिंपल लगती थी। जैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कभी नहीं दिया उन्होंने, दे सकते थे नहीं दिया, उन्होंने वही बस ऊपर एक नॉच बनाया है। तो वो थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग को लेके चलते हैं, डिफरेंट थॉट को लेके चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ट्रेंड साथ साथ ही चल रहा होता है। दोनों जो है बंदे, दोनों जो साइड की इंडस्ट्रीज हैं वो एक ही चीज़ कर रही होती हैं अल्टीमेटली। तो इन्होंने ना टारगेट तो सेट कर दिए कि अब किधर जा रही है मार्केट, तो इस पर हमने नज़र रखनी है। साथ साथ हमने क्या करना है, ये जो नेचुरल लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन है और जो ये वॉइस कम्युनिकेशन है ये तो उसमें है ही है, तो इस पे हमें परफेक्शन करनी है। अच्छा अब आप इमेजिन करें कि एक चैट बॉट है, वो क्योंकि अभी भी ना इस वक्त भी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आती है कि जी वो एक अवतार हो, वो बात कर रहा हो और उसका जवाब दे रहा हो बंदे का,
तो अभी उसकी ना कोई परफेक्ट टेक्नोलॉजी है नहीं। आप एक वो ऐप है कॉल एनी करके, एक ऐप है अभी बीच में, वो रिहान अल्लाह वाला ने वीडियो बना के डाली कि जी वो ना ऐसी ऐप में मुझे लगा दो और मेरे से ना $1,000 ले लो, पता नहीं $2,000 ले लो, तो मैं $2,000 में बनवाऊँगा। मगर वो कोई नॉनसेंस चीज़ है। वो कॉल एनी की जो ऐप है ना, वो नॉनसेंस ऐप है यार। उसमें वो एक अवाटार है, वो एक एनिमेशन है एक्चुअली, वो एनिमेटेड पिक्चर है एक्चुअली। वो उसके ना लिप ऐसे ऐसे हो रहा होता है, दैट्स इट, और पीछे आवाज़ आ रही होती है स्पीकर से। तो जो बिल्कुल ही डम किस्म के लोग हैं ना, उनको लगता है ये तो बात कर रहा है, हालांकि वो एनिमेटेड पिक्चर है, जैसे यूँ यूँ हो रहा है और वो रैंडमली एनिमेट हो रहा होता है। उसमें मतलब लिप सिंक भी नहीं है, लिप सिंक होता है ना कि अच्छा लिप के साथ सिंक हुआ है, वो भी नहीं है। वो ऐसे ही पता नहीं किसी ने बना दी है, लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं। हाँ वो लड़के नहीं, वो तो सिंक होता है भाई हाथ से जो करता है, तो ये सिंक भी नहीं है। वेल अभी लिंक लिप सिंक वाले आ गई है टेक्नोलॉजी, वो इतनी कॉमन नहीं हुई है अभी, थोड़ा अभी बीटा वीटा में चल रही है, थोड़ी महंगी है वो जो लिप सिंक के साथ है ना, थोड़ी महंगी है वो। तो आप इमेजिन करें कि ये वाला चीज़ ना उसमें तो बिल्ट इन है बाई डिफ़ॉल्ट, वो तो चलता ही 3D पे। अब आप सोचें एक 3D में एक बंदा आ जाए, आपने विजन प्रो लगाया और 3D में एक बंदा आपके सामने खड़ा हो जाए, या आप किसी होटल में गए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, किसी इदारे में गए, वहाँ पे काउंटर पे, काउंटर वैसे खाली है वहाँ का, लेकिन जब आप क्वेस्ट प्रो लगा के, ये जब आप विजन प्रो लगा के जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक बंदा दिखता है 3D में। उससे आप सवाल पूछते हैं कि यार, जैसे होटल में आप गए तो होटल में आप क्या सवाल पूछेंगे कि जी आपका जो चेक इन का टाइम है वो क्या है? कहीं पे 10 बजे होता है सुबह, कहीं पे दोपहर 12 बजे होता है, कहीं पे दोपहर 2 बजे तक भी होता है चेक इन का टाइम, चेकआउट का टाइम भी होता है। चेकआउट का टाइम मतलब कि अगर आप जैसे रात को आप पहुँचे, मगरिब के टाइम आप होटल में पहुँचे, तो ऊपर नाइट क्योंकि चलाते हैं होटल वाले, तो आप जब रात को रहेंगे तो सुबह कितने बजे तक आपने निकल जाना है, अदरवाइज़ आपको वो अगले दिन के लिए चार्ज कर लेंगे। तो कुछ लोगों को होता है कि जी 10 बजे तक लास्ट है, सुबह 10 बजे आपने निकल जाना है यहाँ से, अदरवाइज़ अगर 10 बजे से आगे आप रुके तो अगली नाइट भी आपको देनी पड़ेगी, 2 दिन के चार्जेस हो जाएंगे आपके। कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा नहीं 12 बजे तक आप रुक जाएँ, कुछ कहते हैं दोपहर 1 बजे तक आप रुक जाएँ, वो तो इसको कहते हैं चेकआउट का टाइम। तो आप उससे पूछेंगे कि जी वो चेकआउट का टाइम क्या है आपके, तो वो सामने से वो अवाटार बोले मेरी बात का जो इनपुट लेके उसको समझे किसी भी फ्रेमवर्क के थ्रू, चाहे वो अभी जो डायलॉग फ्लो हम करेंगे उससे हम ये करेंगे, और जो चैट GPT है, जो OpenAI का जो फ्रेमवर्क है, उसको चैट GPT तो वैसे प्रोडक्ट का नाम है, असल में वो कंप्लीशन मॉडल है, उसको कंप्लीशन मॉडल कहेंगे हम या LLM मॉडल कहेंगे, तो वो उसके ज़रिए जो है उसको समझ के वो जवाब दे दे। तो ये है फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग। अच्छा, तो कंप्यूटिंग हमने इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ये भी एक अंदाज़ा लगाया कि कुछ कंप्यूटिंग जो है ना वो ऐसी है जो देख के होती है, और कुछ कंप्यूटिंग ऐसी है जो बात करके होती है। कंप्यूटिंग की भी 2 किस्में हैं एक्चुअली। मिसाल के तौर पर अगर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो वो काइंड ऑफ देखने वाली चीज़ है, देख के होगी वो। लेकिन आमतौर पर ये जो सवाल जवाब हैं, ये जो जितने भी ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप एक बंदे से जाके बात करते हैं, वो सारा तो प्योरली वॉइस कंप्यूटिंग से हो रहा होगा, और उसमें प्योरली सारा यही काम हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि वेटर हो गया, जैसे कि कोई बैंक में आप कॉल करते हैं, जैसे कि आप किसी फूड पांडा वाले से हम बात कर रहे होते हैं, किसी टैक्सी वाले को कॉल करते हैं, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट में कॉल करते हैं, या अपने टीचर को कॉल करते हैं कभी, है ना। तो ये जितने भी हैं जिसमें आप बंदे से डायरेक्ट मुखातिब होते हैं, किसी हेयर ड्रेसर को फ़ोन किया जी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो ये जो सारे ना बंदा टू बंदा जो बात हो रहा होता है, ये तो सारा प्योरली इसमें हैंडल होगा। अच्छा, कुछ अब वो देख के करने वाली कंप्यूटिंग भी ना कुछ इधर आ गई है। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारी कंप्यूटिंग जो देख के होती थी ना, वो होती इसी वजह से थी कि ये मीडियम मौजूद नहीं था। मिसाल के तौर पर अब एक हेयर ड्रेसर जो है एक वेबसाइट अगर बनाता है और उस पर ये लगाता है, अगर तो, क्योंकि वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल, अगर तो ये अवतार वाला सीन हो जाए ऑन, तो उसको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना उनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देख के करते हैं वो भी इस वाले में एंटर हो जाएगी। अच्छा, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जी वॉइस कंप्यूटिंग जो है वो आ रही है, ठीक है, आ रही नहीं है बल्कि आ गई है। अच्छा, ये भी मुख्तलिफ फेजेस में हुआ है। जब 2016 में मैंने शुरू किया था तो उस वक्त तो लोगों को नाम नहीं पता था ना, चैटबॉट का नाम नहीं पता था।
अच्छा, चैट जीपीटी के आने के बाद ना लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया है कि चैट बॉट क्या होता है। अच्छा, अभी अगर मैं किसी से बोलूँ ना वॉइस एप्लीकेशन, तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि यार ये वॉइस एप्लीकेशन क्या है, VUI क्या चीज़ है। एक तो GUI है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये तो लोगों को पता है, ये तो शुरू से ही पता है, ठीक है। एक होता है CUI, कन्वर्जेशनल यूज़र इंटरफेस, या जिसको आप सिंपली चैट बॉट कह सकते हैं, कि जो चैट GPT से आप लिख के बात करते हैं, CUI कहते हैं, कन्वर्जेशनल यूज़र इंटरफेस। अब एक ये है VUI, तो क्या कहते हैं, वॉइस यूज़र इंटरफेस। बुक्स वगैरह भी हैं इसके ऊपर, पूरी VUI के डिज़ाइन पे वो सारी, हम एक बुक इंशाल्लाह इसमें फॉलो भी करेंगे इस कोर्स में, एक बुक। तो वो जो वॉइस यूज़र इंटरफेस ना, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, ये क्वेस्ट, ये आने के बाद ना विजन प्रो, ये अगले साल आ जाएगा। अगले साल के आखिर तक ना इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि आपको ना VUI किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर तो चलो सीख रहा है वो बात, लेकिन एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ मैं, एक कॉमन मैन, एक हाउस वाइफ या कोई बस का कंडक्टर, उसको चैट GPT पता है और उसको चैट बॉट पता है कि ये चैट बॉट होता है। सही है, चैट बॉट का नाम लेंगे तो चैट GPT आता है। किसी स्कूल के बच्चे से आप पूछेंगे चैट बॉट क्या है, उसको पता है, लेकिन उसको VUI नहीं पता, वॉइस यूज़र इंटरफेस नहीं पता। इस साल के आखिर में जब ये आएगा ना, तो इसके यानी मार्केट में आने के 6 महीने बाद, यानी कि आज से पूरे 1 साल बाद, वॉइस यूज़र इंटरफेस लोगों को पता चल जाएगा। और जैसे ही वॉइस यूज़र इंटरफेस पता चलेगा लोगों को, तो इसके डिमांड बहुत ऊपर चल जाएगी कि जी वॉइस यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ होती है और ये कैसे चलती है, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ जो वॉइस यूज़र इंटरफेस पे जो एप्स बन रही हैं, वो क्या बन रहा है जी, वो स्मार्ट IVR बन रहा है। अच्छा, स्मार्ट IVR क्या चीज़ है, जो हम इस क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लें। जो अभी मैं राइट नाउ जो सर्विसेज दे रहा हूँ मार्केट में, ऑलरेडी ये वो बात हो रही है कि जी एक बंदा, एक नंबर होगा, उस पर फ़ोन करेगा बंदा, उस पर फ़ोन करेगा, सामने से कंप्यूटर उठाएगा उसको, और वो उसके सवाल को सुनेगा, उसका जवाब देगा, ठीक है। ये इसी फ्रेमवर्क के ज़रिए डायलॉग फ्लो, या जो आपका OpenAI का जो कंप्लीशन मॉडल है, उसको बिहाइंड द सीन इस्तेमाल करते हुए बात करेगा वो, और उसका वो जो कन्वर्जेशनल एक लैंग्वेज होती है, उसको हम कहते हैं TWIML, TWIML, जो ट्विलियो पे स्पेसिफिकली लगती है, यानी प्रोग्रामेबल वॉइस की वो एक अपनी लैंग्वेज है। या एक और है SSML, SSML करके, क्या वो ट्रांसक्रिप्शन की लैंग्वेज है कि जी वो कोई चीज़ बोली कैसे जाएगी, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे जो है ना थोड़ा भारी करके बोलना है, हल्का करके बोलना है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज भी पीछे अंडर द हुड चल रही है, क्योंकि यार कंप्यूटर जब जवाब देगा तो उसमें थोड़े थोड़े इमोशंस हमें डाल दें अगर, तो बेहतर रहता है कि जी अगर वन लिखा हुआ है तो उसको फर्स्ट पढ़ना है या वन पढ़ना है, या उसको जैसे 2020 लिखा हुआ है तो उसको 20th पढ़ना है या 20 पढ़ना है, सही है, या जैसे 23 लिखा हुआ है तो उसको पढ़ सकते हैं जी, 23rd भी पढ़ सकते हैं, तो कैसे करके पढ़ना है उसको, आर्डिनल कार्डिनल करके पढ़ना है, और वो तो नहीं, ऑर्डिनल दो तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, किसी बात को विस्पर करके बोलना है या लाउडली बोलना है, या पिच हाई या लो रखनी है, तो वो सारा, वो SSML करके एक लैंग्वेज है, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो सारा उसमें कवर होता है। तो इस तरह करके ना, अभी राइट नाउ जो वॉइस एप्लीकेशन रियल वाली जो बन रही है, एक तो ये अवाटार वाली ना, कि जो अवाटार खड़ा हुआ वो बोले, वो तो ऐसी है, वो भी काइंड ऑफ वही कॉल ही चल रहा है पीछे, जैसे उसमें एक एनिमेटेड मूव भी लग जाता है आगे, लेकिन जो रियल है ना, जो एक्चुअल चीज़ अभी बन रही है मार्केट में, वो ये है कि जी कॉल पे आप करें, यानी प्रैक्टिकल एक यूज़ केस है ये। अच्छा, ये कॉल पे भी हो सकता है, या ये आप अगर वेब में हो तो वो वेब में एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं WebRTC। WebRTC वो टेक्नोलॉजी है जिसमें ये स्काइप वगैरह और ये जो फेस टाइम और ये व्हाट्सएप की जो कॉल जो चलती है, वो एक WebRTC के थ्रू चलती है। तो अगर ये वेब में चीज़ लगी हुई है, तो WebRTC के ज़रिए क्या होगा कि जो भी बंदा बोल रहा है ऐसे, वो सर्वर पे ट्रांसमिट होता है, और सर्वर पे उसको हम उस ऑडियो को पकड़ते हैं, उसको चंक्स बनाते हैं कि जी 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, उसको पकड़ के ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर उसका हम जवाब देते हैं उसी स्ट्रीम के थ्रू। तो अगर वेब में लगा हुआ है तो ऐसे होता है, अगर कॉल पे है तो वो तो फिर ट्विलियो वगैरह ने नंबर दिया हुआ है, प्रोग्रामेबल होता है वो नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन जो है वो एंड होता है। कौन सा वाला हमारा, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास विजन प्रो के नाम से, इसकी जो डिस्कशन है यहाँ पे एंड होती है। अच्छा, ये प्लान नहीं था, लेकिन ये क्योंकि हो गया है तो ये आपको ब्रीफली बताना ज़रूरी था कि ये क्या चक्कर क्या हुआ है, आपका विजन था कि क्लियर हो जाए, और आपसे अगर कोई बात करे तो आप बताएं कि यार ये यही कर रहे हैं हम,
है।